तो कैसा लगभग आज से 1.5 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था और बेसिकली हमने उस वीडियो में क्या किया था, मतलब कि हमारा जो स्मार्टफोन होता है उसको हमने जो है पानी के अंदर डाल दिया था, मतलब कि गहरे कुएं के अंदर जो पानी में हमारे स्मार्टफोन को जो है वो डाल दिया था और फिर हमने देखा था कि मतलब कि यार पानी के अंदर जो हमारे स्मार्टफोन में वो नेटवर्क आते हैं या नहीं। तो कैसा उस वाले वीडियो में हमने देखा था मतलब कि यार हमारा स्मार्टफोन है जो पानी के अंदर जाता है तो उसमें बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आते। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो कैसा बेसिकली आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले, हमारे स्मार्टफोन को हम जो है पानी के अंदर मतलब क्या घेरे कुएं के अंदर डालने वाले नहीं, हम जो है इस बोरवेल के अंदर। तो सर आप देखिए इधर है बोरवेल, ये आप देखिए ये काफ़ी ज़्यादा गहरी है, लगभग ये जो है 200 फीट गहरी बोरवेल है जो है हमारे स्मार्टफोन को डालने वाले हैं और फिर देखने वाले कि यार मतलब कि बोरवेल के अंदर हमारा स्मार्टफोन जाएगा तो क्या हमारे स्मार्टफोन में नेटवर्क आएंगे या नहीं, मतलब क्या उसके अंदर फोन जाएगा तो हमारे फोन के ऊपर कॉल लगेगा या नहीं। तो सर आज के वीडियो में ये करने वाले, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए सर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या सर अगर हम हमारे स्मार्टफोन को पानी के अंदर डालेंगे तो क्या सर आप देख सकते हो कि हमारे बोरवेल है वो थोड़ी मतलब कि उसकी चौड़ाई है बहुत ही कम है और हो सकता है कि बोरवेल काफ़ी पुरानी है इसके अंदर हमारा फोन वगैरह अंदर रह जाए तो हम जो हमारे स्मार्टफोन को नहीं डालने वाले। तो क्या सर आप देख सकते हैं हमारे पास एक जियो का फोन है बेसिकली और ये जो है पूरी तरीके से चालू कंडीशन में। अगर आपको इसके ऊपर दिखाऊँ तो क्या सर आप देख सकते हैं इस पर जो है नेटवर्क है वो आ रहा है, इस पर जो एक बार आपको दिखाता हूँ मैं। तो क्या सर आप देखिए इसमें नेटवर्क है फुल नेटवर्क है जो आ रहे हैं। तो क्या सर इसको जो है हम पानी के अंदर डालने वाले और फिर देखने वाले कि मतलब कि पानी के अंदर जाएगा मतलब कितनी गहरी बोरवेल के अंदर ये फोन जाएगा तो इसके अंदर नेटवर्क है वो आएंगे या नहीं। तो चलिए फटाफट से इसको जो है पैक कर देते हैं ताकि अंदर जाए तो हमारा फ़ोन भी है और ख़राब ना हो, तो इसको जो हमें पहले पैक कर देते हैं टेप के सहायता से अच्छी तरीके। तो क्या सर आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन था उसको हम अच्छी तरीके से जो है सेलो टेप की सहायता से ऊपर से जो रेप कर दिया है ताकि इसके अंदर जो पानी ना घुसे, इसके अंदर जो अच्छी तरीके से जो नेटवर्क आए, अगर नीचे नेटवर्क मिल रहे होंगे तो उसको नेटवर्क है ओबियसली मिल जाएंगे क्योंकि हमने इसको अच्छी तरीके से पैक कर दिया ताकि इसके जो अंदर का सिस्टम है उसके अंदर जो पानी है वो ना जाए। तो भाई सर आपको हमने दिखाया था मतलब क्या इसको रेप करने से पहले कि इसमें जो फुल नेटवर्क है वो आ रहे थे। तो चलिए एक बार मैं इसको आपको कॉल करके दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर जो कॉल है वो लग रहा है अभी। कैसे आप देख सकते हैं रिंग जा रही है और इस वाले में जो है आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये वाइब्रेट भी कर रहा है, मतलब कि इसमें जो है अभी फुल नेटवर्क है वो आ रहा है, इसके ऊपर अभी जो कॉल लग रहा है। तो चलिए मैं जो है कॉल लगने देता हूँ और इसको अंदर डालना स्टार्ट करता हूँ। नहीं नहीं कॉल कट कर देता हूँ, पहले कॉल कट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा अंदर डालता हूँ फिर वापस कॉल लगाता हूँ। तो चलिए इसके पानी के अंदर डालना स्टार्ट करते हैं हम। तो सर आप देख सकते हैं मतलब कि हमारा बोरवेल था उसके अंदर ये जो आना स्टार्ट हो चुका है और ये नीचे जाया जा रहा है। तो अराउंड हम जो इसको है 50 फीट तक जो अंदर फेंक देंगे पहले और फिर इसके ऊपर कॉल लगाएंगे। लगभग 50 फीट हो गया होगा और अब जो है मैं हमारे फ़ोन के ऊपर कॉल करता हूँ मतलब कि और देखते हैं कि कॉल करता है नहीं, कॉल करता हूँ और देखते हैं कि इसके ऊपर नेटवर्क है वो आ रहे हैं या नहीं। यह लगा ओ भाई यार आप देख सकते हो हमारा फ़ोन है लगभग जो है 50-60 फीट अंदर गहराई में और उसके अंदर जो अभी है नेटवर्क आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर की रिंग सुनाता हूँ मतलब कि यार जो हमारे फ़ोन के अंदर जो रिंग बज रही है, अगर आपको आवाज़ आए तो माइक इसके अंदर डालता हूँ मैं। तो क्या सर मैं थोड़ा सा चुप रहूँगा, आप सुनना आवाज़। सुन सकता हूँ मतलब कि इसके अंदर जो हमारा फ़ोन है उसके अंदर जो रिंग बज रही है उसकी आवाज़ है मतलब क्या बाहर तक आ रही है। थोड़ा सा मैं माइक लगा लेता हूँ, एक मिनट रुकना, वीडियो में कुछ कर देना नहीं चाहते, लग जाए फटाफट से। तो वैसे आपने देखा मतलब कि हमारा फ़ोन है लगभग 60 फीट अंदर गया है और उसके अंदर जो नेटवर्क है वो आ रहा है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इसको हम अंदर भेजते हैं और फिर ट्राई करते हैं अंदर भेजने के बाद। तो कैसा लगभग हमारा फ़ोन है वो लगभग 100 फीट है, अराउंड 100 फीट के अराउंड जो नीचे जा चुका है। और चलिए फिर से मैं कॉल करता हूँ और देखते हैं कि अब भी इसके अंदर रिंग बजती है या नहीं। तो वापस से कॉल लगाता हूँ मैं। ओ भाई कैसे 100 फीट हमारा फ़ोन है नीचे जा चुका है वो फिर भी आप सुन सकते हैं, फिर भी यार हमारे फ़ोन के अंदर जो रिंग जा रही है मतलब कि हमारा फ़ोन है वो 100 फीट नीचे ज़मीन के अंदर पहुंच चुका है फिर भी हमारे फ़ोन के अंदर है वो नेटवर्क आ रहे हैं। लेकिन यार कैसे आपने देखा होगा मतलब कि यार हमने कुएं के अंदर जब डाला था तो कुएं के अंदर लगभग 20-30 फीट नीचे गया था हमारे फ़ोन के नेटवर्क है वो आना बंद हो गए थे। क्योंकि यार कैसे ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि यार कुएं के अंदर पानी होता है और पानी में जाने के बाद आपको पता है कि हमारे फ़ोन के अंदर नेटवर्क है वो नहीं आते हैं। और ये जो हमारा फ़ोन है आई थिंक अभी जो है पानी के अंदर नहीं डूबा है, डूबा भी होगा तो थोड़ा बहुत पानी के अंदर गया होगा इस वजह से इसके ऊपर जो अभी नेटवर्क आ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा और इसको अंदर जाने देते और फिर देखते हैं मतलब कि ज़्यादा पानी की गहराई में जाता है तो ज़्यादा पानी की गहराई में जाने के बाद भी किस पर नेटवर्क आते ही या नीचे जा रहा है। फटाफट से मैं उसको और नीचे भेजता हूँ। 80 छोटी पड़ गई यार, एक और है,
एक और रस्सी बांध देते हैं पहले इसमें, थोड़ा इसको नीचे बेचते हैं। तो भाई सर आई थिंक अब जो हमारा फ़ोन है वो पानी के अंदर है, वो नीचे जा चुका है, मतलब कि पानी के अंदर जो हमारा फ़ोन है वो डूब चुका है, काफ़ी पानी के अंदर जा चुका है, मतलब कि ऐसा नहीं पानी के अंदर डूबा, मतलब पानी के अंदर नीचे जो गहराई में जा चुका है। और चलिए मैं जो फिर से कॉल लगाता हूँ और देखते हैं कि क्या अब हमारे फ़ोन के ऊपर है, वो कॉल लगता है या नहीं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं नहीं, स्विच ऑफ है। तो भाई सर हमारा फ़ोन है वो ये जो स्विच ऑफ बता रहा है, मतलब कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, मतलब कि पानी के अंदर जाने के बाद हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता है। संपर्क करना चाहते आप सुन सकते हैं, मतलब हमारा फोन है वो स्विच ऑफ दिखा रहा है, मतलब कि अब नेटवर्क नहीं आ रहे। तो चलिए थोड़ा इसको बाहर निकालते हैं फटाफट से, ऑफिस देखते हैं फिर नेटवर्क आते हैं या नहीं। और हमारा फोन है बाहर आ चुका है, चलिए फिर से मैं कॉल लगाता हूँ एक बार और देखते हैं कि क्या कॉल लगता है या नहीं। ओ भाई सुनिए यार, मतलब जैसे पानी के बाहर आया हमारे फ़ोन में वो नेटवर्क आ गए। तो सर आपने देखा, मतलब कि यार जब बोरवेल के अंदर हमारा फ़ोन जाता है तो काफ़ी गहराई में नीचे पहुंच गया था, लगभग आई थिंक 100 फीट का अराउंड गया था, तो हमारे फ़ोन में नेटवर्क आ रहे थे। लेकिन जैसे हमारा फ़ोन है वो पानी के अंदर गया, मतलब कि पानी के अंदर जैसे ही जाके डूब चुका था, मतलब पानी की गहराई में गया और हमारे फ़ोन के नेटवर्क है वो जो है चले गए थे। तो सर कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं, मतलब कि हमारा फ़ोन जब बोरवेल की गहराई में जाता है तो आपको पता है कि बोरवेल ओपन रहती है, इसके अंदर मतलब थोड़ा सा नेटवर्क जाने का जो चांसेस है वो रहता है। और जैसे पानी के अंदर जाता है तो पानी के अंदर जो है अंदर जो है नेटवर्क नहीं जा पाते, इस वजह से हमारे फ़ोन में जो पानी के अंदर नेटवर्क नहीं आते। और बोरवेल के अंदर जाते हैं तो बोरवेल के अंदर जो इसके अंदर है 100 फीट तक, मतलब 100 फीट तक पहुँचा और 100 फीट तक जो नेटवर्क है इसमें वो आ रहे थे। तो सर उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको कुछ अलग देखने को, कुछ अलग सीखने को जरूर से मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कुछ अलग देखने को अलग सीखने को मिला हो तो चलिए सर आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।